अब देखिए मैं इसको जो है वापस से ये देख सकते हो आप, जो ये फट गया। आप देख रहे हो कि जो हमारा आरसी ड्राइवर था वो खराब हो चुका है, वो फूक चुका है। और जो सक्षम लाइटिंग का ऑटो का ड्राइवर था वो देख रहे हो आप कि अभी भी वो जो 500 वोल्टेज पे था वो कितना अच्छे से वर्क कर रहा है। तो अब हेलो जो मैंने दोस्तों, सक्षम लाइटिंग के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का वेलकम है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 9 वोल्ट का ड्राइवर, जिसमें काफी सारी क्वालिटीज होती है मार्केट में, जिसमें कि आरसी ड्राइवर भी होता है, एलपीएफ भी होता है और एचपीएफ भी होता है। आज इनमें क्या डिफरेंस है वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। इस डीमर की मदद से हम देखेंगे कि जो एलपीएफ ड्राइवर होता है और जो आरसी ड्राइवर होता है और जो एचपीएफ होता है, इनमें क्या डिफरेंस है और हम इनमें वारंटी दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले। ये आप देख सकते हो मार्केट में एलपीएफ ड्राइवर जो होता है वो इस तरीके की क्वालिटी में होता है, आप देख सकते हो। और ये आरसी ड्राइवर है वो आपको इस तरीके की क्वालिटी में मिलेगा, मार्केट में आपको इजिली कहीं से भी मिल ही जाता है। ये हमारा SL1 9 वोल्ट का एचपीएफ ड्राइवर ऑटो कट है। ऑटो कट इसलिए दोस्तों क्योंकि हाई वाटेज, जैसे कि 380 का जो हाई वाटेज वोल्टेज आता है उस पे ये ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाता है। उसके बाद आप ये देख सकते हो ये विदाउट ईएमसी वाला है, ये भी ऑटो कट में ही है और 9 वोल्ट में है। तो इसी वीडियो में हम देखने वाले हैं अभी कि इनको हम एक साथ डीमर की मदद से टेस्टिंग पे लगाएंगे और इसको हाई वोल्टेज देंगे। मैं आपको इन दोनों के बारे में भी दिखाऊंगी कि ये कट ऑफ होने के बाद कितने से कितने पे स्टार्टिंग हो जाती है, और इनके बारे में भी हम देखने वाले हैं कि इनकी लाइफ कितनी है, कितनी हाई वोल्टेज पे चल सकता है और कितनी मतलब क्वालिटी कैसी है इनकी। इस बीच में डिफरेंस है, आप देख रहे हो कि जैसे हमारा जो ये एचपीएफ ड्राइवर है जो कि मैं दिखा रही हूँ विदाउट ईएमसी है और ये विद ईएमसी, इनमें फर्क क्या होता है आप देख सकते हो कि इनमें जो ड्रम कॉइल है, जो ये बीच का है ये ड्रम कॉइल और पीएफ नहीं होता। इससे क्या हो जाता है, इसकी थोड़ी आपकी जो है इन दोनों के बीच में लाइफ का थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। ऑटो कट ये भी है, ऑटो कट ये भी है, लेकिन आज के आप जानते हो कि आजकल एलईडी बल्ब में बहुत कॉम्पिटिशन बढ़ चुका है। तो इसमें क्या है, कॉम्पिटिशन में बढ़ने के साथ साथ प्राइस में भी काफी ज्यादा डिफरेंस आता है। तो अगर आपको एचपीएफ ड्राइवर भी चाहिए, ऑटो कट में भी चाहिए, तो आप ये जो है ये वाला ड्राइवर हमारा विदाउट ईएमसी वाला आप यूज कर सकते हो। बहुत ही अच्छा प्राइस है इसका और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। इसके साथ आपको 9 वोल्ट की जो एमसीपीसी भी मिलती है उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और ब्राइटनेस भी आपको बहुत अच्छी मिलेगी इसकी। तो चलिए आगे हम वीडियो में देख लेते हैं। मैं इसको टेस्टिंग पे लगा रखा है मैंने, अब इसको हम डीमर के उससे हम टेस्टिंग पे लगाएंगे। ये एलपीएफ ड्राइवर है, आप देख सकते हो इसमें किस तरह के जो है कंपोनेंट लगे हुए हैं। ये आरसी ड्राइवर होता है, इसमें जो है आप देख रहे हो पीएफ है, कैपेसिटर है, फ्यूज है, मूवी है। ये हमारा सक्षम लाइटिंग का SL1 वाला जो है ऑटो कट ड्राइवर विदाउट ईएमसी वाला है। इसकी कैपेसिटर आप देखो 100 वैल्यू के हैं, और जो ये हमारा ऑटो कट जो है विथ ईएमसी वाला ड्राइवर ये वो है। इसकी क्वालिटी आप देख लो, इसकी डिफरेंट जैसे मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट मैंने आपको बता ही रखा है इसमें कि क्या है। इसमें आप देख सकते हो जो ये है हमारा ड्रम कॉइल, ये इसमें ड्रम कॉइल नहीं होगा, एक सिंगल पीएफ नहीं होगा, और इनमें डिफरेंट सिर्फ इतना ही है दोस्तों। दोनों ही ऑटो कट है बट प्राइस के अकॉर्डिंग जो होगा ये आपको थोड़ा सस्ता मिलेगा। और ये जो है आपका ये इसका प्राइस जो है अभी आपको ये 15 रुपए 30 पैसे में आपको हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा। और जो ये मैंने आपको बताया है विथ ईएमसी वाला ये ड्राइवर आपको हमारे पास 17 रुपए में मिल जाएगा। ड्राइवर को हम जो है लाइव टेस्टिंग करने वाले हैं, तो आप देख सकते हो इनको हम पहले आरसी ड्राइवर जो कि आप देख ही रहे हो, इसकी क्वालिटी भी देख रहे हो आप। क्वालिटी का ना, हम बल्ब बनाते हैं तो क्वालिटी का हमेशा ध्यान रखना चाहिए हमें कि हम कैसी क्वालिटी यूज कर रहे हैं। क्वालिटी अच्छी होगी तो रिप्लेसमेंट आपको कम से कम मार्केट में मिलेगा और इससे आपका बिजनेस, रिप्लेसमेंट कम होगी तो बिजनेस भी अच्छा से अच्छा ग्रो करेगा आपका। तो हमने ये लगा दिए हैं, अब हम इसको डीमर की मदद से टेस्टिंग करने वाले हैं। ये मीटर है, मीटर पे हम देखेंगे इसको कि हाईएस्ट और लोएस्ट हम इसको कितना लेकर जा रहे हैं।
ये मीटर लगा हुआ है, आप देख सकते हो इस पे कि कितना हाईएस्ट और लोएस्ट वोल्टेज अभी हम दिखाने वाले हैं। तो ये मैं इसको स्टार्ट कर रही हूँ। अभी जो हमारा वोल्टेज है ये जीरो पे है, आप यहाँ पे देखो। अब इसको धीरे धीरे हम ये देख रहे हो कि हम इसको लेकर आए हैं, अब ये धीरे धीरे ग्लो करने लगी है। ये हम 80 की वोल्टेज पे लेके आए हैं और ये धीरे धीरे हमारी जो है एलईडियां ग्लो करने लगी है। ये 120 पर लेकर आ चुके हैं हम इसको। अब देखो एलईडी जो है वो सारी ग्लो करने लगी। ये सक्षम लाइटिंग की SL1 MCPC भी है दोस्तों, आप देख सकते हो इसकी कितनी क्वालिटी अच्छी है और कितनी अच्छी ब्राइटनेस। 120 पे ही आपको कितनी ग्लो कर रही है ये। ये हम 160 पर ले आए हैं इसको। ये 200 वोल्टेज, के बाद अब धीरे धीरे मैं इसे 240 की ओर लेके जा रही हूँ। 280, अब हम धीरे धीरे इसे 300 की वोल्टेज पे लेके जाने वाले हैं। ये 360, ये आप देख रहे हो 320 के अराउंड अभी हमारा जो है, ये 320 के अराउंड हमारा हाई वोल्टेज पे चल रहा है 360। अब दोस्तों हम इसको 400 वोल्टेज पे लेके जाने वाले हैं। ये हमने 400 वोल्टेज कर दिया है, 400 की वोल्टेज पे ले आए हैं। ये आप देख रहे हो जो सक्षम लाइटिंग वाला है, आपने देखा कि जो हमारा SL ऑटो कट वाला ड्राइवर है ये कट ऑफ हो गया। अब देखिए मैं इसको जो है वापस से, ये देख सकते हो आप जो फट गया बंद। क्या आप देख रहे हो कि जो ये हमारा LPA ड्राइवर वाला था ये ड्राइवर फट चुका है, इसका कैपेसिटर फट चुका है। अभी RC ड्राइवर चल रहा है। अब ये देखिए ये जो कट ऑफ था, जो ड्राइवर हमारा ऑटो का ड्राइवर था, ये मैंने वापस से 360 की वोल्टेज पे किया है तो ये हमारा वापस से जलने लगा है। अभी हमारा RC वाला चल रहा है जो कि आपने देखा LPF ड्राइवर था वो कैसे फट गया। जैसे ही मैंने उसको 400 की वोल्टेज पे किया तो वो ड्राइवर जो था हमारा ब्लास्ट हो चुका है, आपने देखा ही किस तरीके से। अभी वापस से मैं इसको दोबारा से 400 की वोल्टेज पे लेके जा रही हूँ। अभी हमारा आप देख सकते हो कि हमारा जो ऑटो का ड्राइवर था ये ऑफ हो गया है। इससे क्या होता है दोस्तों, जो क्वालिटी होती है यानी कि ड्राइवर की लाइफ इस तरीके से सेव, अगर हाईएस्ट वोल्टेज आता है ये ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाता है और इससे कि इसके खराब होने के चांसेस जो होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। ये हमारे 480 के वोल्टेज पे चल रहा है हमारा ऑटो का ड्राइवर, ऑटोमेटिक ऑफ हो चुका है क्योंकि हाई वोल्टेज आई है तो वो ऑफ हो चुका है। RC वाला जो है अभी हमारा चल रहा है, हम देखते हैं कि 400 की वोल्टेज पे कितना 480 की वोल्टेज पे जो ये कितना और ग्लो कर सकता है, कितनी देरी है हमारा और साथ ही 500 की वोल्टेज पे। और ड्राइवर जो है हमारा धीरे धीरे इसमें से धुआं निकल रहा है, आपको इसमें दिखाई नहीं दे रहा होगा बट मैं यहाँ से देख रही हूँ कि इसमें से जो है धीरे धीरे, अब आप देखोगे ये देखो आप दिख रहा है आपको इसमें, ये हमारा 500 की वोल्टेज पे चल रहा है। दोस्तों क्या होता है हमारा बल्ब खराब हो जाता है और ज्यादा से ज्यादा रिप्लेसमेंट आने के चलते हमारा बिजनेस जो है वो भी ग्रो नहीं कर पाता है। तो इसको वापस एक बार दोबारा हम इसको वापस से 480 के वोल्टेज पे लेके जाने वाले हैं और देखने वाले हैं कि हमारा जो RC का ड्राइवर है वो किस तरीके से वर्क करने वाला है और ऑटो कट वाला जो है वो तो आपने देखा ही है कि किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो इसलिए दोस्तों आपको अच्छी से अच्छी क्वालिटी यूज करनी हो, अच्छा ड्राइवर यूज करना हो तो हमेशा HPF ड्राइवर ही यूज करें। और ऑटो कट में जो हमारे पास आपको सक्षम लाइटिंग से मिलेगा वो ड्राइवर बहुत ही अच्छी क्वालिटी और बहुत ही अच्छे प्राइस में आपको मिल जाता है।
तो इसके लिए आप जो है आप हमें ऑर्डर करने के लिए आप हमारे नंबरों पे आप हमें कॉल भी कर सकते हो, डायरेक्ट विजिट भी कर सकते हो। और क्या बोलूँ, तो जैसे कि आप देखते हो मार्केट में क्या होता है, सस्ते के चक्कर में हम हमेशा लोएस्ट क्वालिटी ले लेते हैं। क्वालिटी लो लेने की वजह से हमारी रिप्लेसमेंट ज़्यादा बढ़ जाती है, तो 2 से 3 रुपए के मार्जिन के लिए हमारी क्वालिटी हमें खराब मिल जाती है। तो इसलिए क्वालिटी को अच्छी क्वालिटी मेंटेन करने के लिए क्वालिटी अच्छी ही यूज करनी चाहिए। तो अच्छा ड्राइवर जो है वो सक्षम लाइटिंग का बहुत ही अच्छा ड्राइवर है, जो कि आपने अभी देखा ही है, मैंने आपको दिखाया ही है कि 9 वोल्ट में जो आपको हम आप ड्राइवर दे रहे हैं वो कितनी अच्छी क्वालिटी का है। हमारी और भी वीडियो है जिसमें कि आपको दिखाया भी गया है कि जो आप ये ड्राइवर है किस तरीके से असेंबलिंग होती है और किस तरीके से इसमें जो हम कंपोनेंट यूज करते हैं वो कितनी अच्छी क्वालिटी का कंपोनेंट यूज करते हैं, जिससे कि आपके पास ये जब ये ड्राइवर पहुंचे तो मार्केट में आपको कम से कम रिप्लेसमेंट का जो है कम से कम रिप्लेसमेंट जो है आपको मार्केट में मिले और आपका जो बिजनेस है वो अच्छा सा अच्छा ग्रो करे। जो आरसी ड्राइवर था वो फूक चुका है। रहे हो कि जो हमारा आरसी ड्राइवर था वो खराब हो चुका है, वो फूक चुका है। और जो सक्षम लाइटिंग का ऑटो का ड्राइवर था वो देख रहे हो आपकी अभी भी वो जो 500 वोल्टेज पे था वो कितना अच्छे से वर्क कर रहा है। तो आप जो मैंने आपको चारों ड्राइवर दिखाए थे वो चारों ड्राइवर में आप क्वालिटी देख सकते हो कि किस तरीके से कौन सी क्वालिटी अच्छी है। हमारा जो आरसी ड्राइवर था ये भी आपने देख लिया है, ये आरसी ड्राइवर था ये भी आपने देख लिया है कि किस तरीके से क्वालिटी जो है इसकी, ये भी किस तरीके से जवाब दे चुकी है। और जो सक्षम लाइटिंग का विदाउट ईएमसी और विद ईएमसी वाला ड्राइवर है वो कितनी अच्छे से अभी भी ग्लो कर रहा है। और मैंने कटअप जो आपको दिखाया था वो अभी भी दिखा रही हूँ मैं आपको कि आप देखो कि मैं इसको 360 की वोल्टेज पर लेके गई और ये आपने देख ही लिया कि इन दोनों जो ये हमारा जो एलपीएफ ड्राइवर था इसका कैपेसिटर ब्लास्ट हो चुका है और जो ये हमारा आरसी ड्राइवर था ये भी हमारा जो है कुकर खराब हो गया है। अब बाकी आप देख सकते हो जो सक्षम लाइटिंग का विथ ईएमसी वाला ड्राइवर है जो कि इस क्वालिटी में ये अभी भी ग्लो कर रहा है और जो हमारा विदाउट ईएमसी वाला ड्राइवर है ये अभी भी ग्लो कर रहा है। तो क्वालिटी में आपने देख ही लिया है कि चारों में क्या डिफरेंस है और क्या क्वालिटी है। तो दोस्तों आप अच्छी क्वालिटी पाने के लिए सक्षम लाइटिंग में एक बार जरूर विजिट करें और हमारे दिए हुए नंबरों पे आप हमें कॉल कर सकते हो। इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हो, ऑर्डर देने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हो। तो आप हमारे नंबरों पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। जैसे कि मंडे टू सैटरडे हमारा ऑफिस ओपन रहता है, सुबह 10 से 6 के बीच में आप हमें कॉल कर सकते हैं। ड्राइवर का ऑर्डर करने के लिए आप हमें हमारे दिए हुए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। और हमारा ऑफिस जो है मंडे टू सैटरडे सुबह 10 से 6 के बीच में आप कभी भी विजिट कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। संडे क्लोज होता है तो संडे दोस्तों आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल पे भी हम जवाब दे देते हैं। बट अगर कभी कभार क्या होता है अगर हमारा कॉल नहीं उठता तो आप परेशान हो जाते हैं, तो कोशिश करें कि आप हमें मंडे टू सैटरडे कॉल और विजिट करें ऑफिस में। थैंक यू दोस्तों। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे आपको तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और शेयर करना।